जहां भी चार लोग बैठते हैं बात काहे की होती है भाई, डिस्कशन होता है तो किस बात को लेकर, कौन से पॉइंट से, बताइए आप। पहला पॉइंट है हेल्थ, दूसरा पॉइंट क्या है, क्या हो रहा है स्टेट में, क्या हो रहा है या पूरे देश में क्या हो रहा है, तीसरा कुछ, तीसरा वो है जिसको है जी, लो आप लोग खुद ही बोल गए, इसके घर में क्या हो रहा है कि उसके घर में क्या हो रहा है कि वहां क्या हो रहा है। सच तो ये है कि सत्संग हमें बाहर देखना नहीं, सत्संग हमको अंदर देखना सिखाता है। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बाहर तो देख ही रहे हैं, हम लोग आप लोग बाहर ही देखते हैं, बाहर ही लोगों के साथ रहते हैं, अपने साथ कोई रहता ही नहीं, अपने के साथ, हाँ अपने वालों के साथ सब रहते हैं, पर आजकल तो अपने वालों के साथ रहकर भी व्यक्ति बाहर ही रहता है। बोलो राधे राधे, क्योंकि बाहर रहने का तरीका है ना, एक हाथ में आ गया एक चीज ऐसी है जो हमको बाहर ले जाती है, है? तो अपनों के साथ बैठ के भी लोग बाहर ही रहना चाहते हैं। बाहर रहना कितना सीख गए हम, हाँ कितना सीख गए कि बाहर ही रहना चाहते हैं। तो सत्संग हमें क्या क्या देखना सिखाता है, सत्संग हमें बाहर नहीं, सत्संग हमें अपने अंदर देखना सिखाता है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरे थॉट्स कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, है? मुझे कैसे थॉट्स रखने चाहिए, कैसे विचार मेरे रहने चाहिए, ये हमको सत्संग सिखाता है। इसलिए सत्संग जरूरी है, क्योंकि जैसे थॉट्स होंगे वैसे एक्शन होंगे हमारे। बोलो राधे राधे, जैसे विचार रहेंगे वैसे तो एक्शन होंगे, और विचार यदि आपके अच्छे हैं तो आपके अच्छे कर्म होंगे, गुड कर्माज आपके होंगे। अब जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो फिर हमें क्या मिलता है, गुड कर्माज क्या है पता है आपको, गुड कर्माज है फिक्स डिपॉजिट, अच्छे कर्म जो है हमारे आपके क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स हैं। और अच्छे कर्म हमको क्या देते हैं, आपने यदि फिक्स डिपॉजिट कर रखी तो क्या मिलता है, अर्न इंटरेस्ट। राधे राधे, बरोबर ना, हाँ अच्छे कर्म फिक्स डिपॉजिट हैं और क्या मिलता है हमें, इंटरेस्ट मिलता है। और जब इंटरेस्ट मिलता है तो क्या करना पड़ता है भाई, जब हाथ में पैसा आया तो क्या करना है, इंजॉय फ्रूट्स, है कि नहीं। तो अच्छे कर्म होंगे तो फिक्स डिपॉजिट में हमारे अच्छे कर्म होंगे तो हमें वहां से इंटरेस्ट भी अच्छा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा तो हम अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे, करेक्ट। तो हमारे अच्छे कर्म होंगे और जब हम इंजॉय करने लग जाएंगे फ्रूट्स को तो फिर क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, हाँ तो हैप्पीनेस आएगी अपने आप, हम लोग हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। और भैया भोजन के बाद क्या खाते हो बाद में, है जी स्वीट, उसको और क्या बोलते हो, डिजर्ट बोलते हो ना, तो हमको आपको ऐसी लाइफ लीड करने को मिलेगी कि अंत समय जब हमारा आएगा तो कहीं ना कहीं हम अच्छे कर्मों को याद करके खुश तो रह पाएंगे कि हमने अच्छा किया, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमको ऐसा मिलेगा कि क्या पता अंत समय आवे और उस समय हमें भगवान का नाम याद आ जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, गुड कर्मा। हम यदि अच्छे कर्म करते तो हमें ये सब मिलता है, और यदि लाइफ में हम मिस्टेक्स करते हैं तो क्या मिलता है, बोलो राधे राधे, यदि हम मिस्टेक्स करते हैं तो हमें ये है क्या, बैड कर्मास क्या है, मिस्टेक्स क्या है, लॉन्स हैं साहब, बोलो राधे राधे, आपकी लैंग्वेज में समझाया जाए तो क्या है, लॉन्स है। आप बैंक से लोन लेते हो ना, जब आप लोन लेते हो तो क्या करना पड़ता है, पे इंटरेस्ट। अच्छे कर्म किए तो क्या मिला,
मिला और यहां क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है, पे इंटरेस्ट। और भैया फिर तो जो कॉस्ट है उसको आपको बेयर करना ही पड़ेगा, कांट हेल्प इट, क्योंकि हमने लोन ले लिया है। और यदि ऐसा किया है तो क्या होगा, जब हम कॉस्ट को बेयर करना शुरू कर देंगे तो क्या होता है, लोन ले लेते हैं तो क्या होता है, टेंशन हो जाती है, और टेंशन हो जाती है उसको पे नहीं कर पाते तो क्या होता है, ट्रबल लाइफ में हमारे ऐसा जीवन हो जाता है कि हम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते अब करें क्या, नेक्स्ट क्या करें। और जब ऐसा जीवन जीते हैं तो क्या हो जाता है, फुल डे हमारा माइंड कैसा रहता है, स्ट्रेस में रहता है। बोलो राधे राधे। अब आपके सामने दो चीजें रखी गई, एक रखे गए अच्छे कर्म और एक रखे गए मिस्टेक्स जो होती है हमारी लाइफ में। और सच मानिए ऐसी अगर हम लाइफ लीड करते हैं तो हमारी लाइफ में वास्तव में टेंशन जो है, आज क्यों टेंशन में व्यक्ति, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है, माइंड को मैनेज करना सीखा ही नहीं हमने। माइंड को मैनेज करना क्यों नहीं सीखा, क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट ही खराब है। बोलो राधे राधे। जब हमें सोना चाहिए जब हम जगते हैं, और जब जगना चाहिए जब हम, तो क्या हुआ, अब उसका इम्पैक्ट तो आएगा सब लाइफ में। हमारा जो शास्त्र है, हमारे जो पुराण है, हमारे जो पूरा पूरी जो पद्धति है, जो जो हमारा ट्रेंड है शुरू से, वो क्या है, सुबह उठो। पर हम सुबह उठने की बजाय सुबह, बोलो राधे राधे, सुबह उठने का मतलब क्या है, सुबह उठने का मतलब है कि यदि आप सुबह उठते हो, रात को आराम से जल्दी सो जाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, तो सुबह का एनवायरनमेंट देखो आप, कितना पीसफुल रहता है पूरा एनवायरनमेंट, शांत एकदम। बाहर शांति होने से आपके अंदर भी शांति रहती है, अंदर से आप काम रहते हो, और बाहर ही उथल पुथल मचा हुआ है तो फिर तो उसका इंपैक्ट अंदर आने वाला। तो मिस्टेक्स हमारी क्यों होती है, जब मिस्टेक्स होती है तो हम उसे क्या करते हैं, बट टेंशन में रहते हैं, क्योंकि हम अपनी अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास करने लग जाते हैं। गलतियों को, एक गलती को छुपाने के लिए चार झूठ बोलनी पड़ती है, और फिर वो चार झूठ को मैं झूठ में बचाव करने के लिए सेल्फ डिफेंस बोलते हैं जिसको, वो स्टार्ट हो जाता है हमारी लाइफ में। फिर क्या होता है, कोई भी बात आएगी तो हम सबसे पहले अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, हमने ये नहीं किया, हमसे ऐसा नहीं हुआ, हमने ऐसे, क्यों, क्योंकि मिस्टेक ऑलरेडी हो चुकी है और हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक, मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक करते चले जाते हैं। और उसको छुपाने के लिए, आप सबको पता है, सबका एक्सपीरियंस है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर याद रखना पड़ता है इनसे मैंने क्या झूठ बोला, उनसे क्या झूठ बोला, उससे क्या झूठ बोला। जब वो पर्सन सामने आता है ना, देखो ब्रेन भगवान ने कितना पावरफुल बनाया है, जब वो व्यक्ति सामने आता है और तुरंत याद आता है, अरे इसको मैंने क्या झूठ बोला था। इसके लिए लाइफ ऐसी लीड करो भैया, जीवन ऐसा जियो खुली किताब की तरह, कोई पन्ना पलटे जैसे पूज्या माँ हमें सिखाते हैं, कोई पन्ना पलटे, आपको टेंशन ही नहीं चाहिए कि क्यों पन्ना पलट रहा है, क्या होगा पता नहीं। हाँ भैया पलटो, जो पलटना है पलटते जाओ, कोई टेंशन। तो यदि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा नतीजा, और गलत करेंगे, मिस्टेक करेंगे, तो फिर अपने को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट।